रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। ये है भयू महाराज का सुसाइड नोट। चंद शब्दों में बयां कर गए खुदकुशी की वजह। हाई प्रोफाइल राष्ट्रीय संत भयू महाराज ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। भयू महाराज के सुसाइड करने के पीछे पारिवारिक कलह को वजह बताया जा रहा है। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें बेहद तनाव में होने का जिक्र किया गया है। भयू महाराज ने मंगलवार दोपहर को इंदौर के सिल्वर स्प्रिंग स्थित अपने बंगले पर खुद को गोली मार ली। भयू महाराज को उनके नजदीकी निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बाद में पुलिस उनके बंगले पर पहुंची, जहां एक सुसाइड नोट मिला है। डायरी के एक छोटे से पन्ने पर लिखे इस सुसाइड नोट से पता चलता है कि भयू महाराज कुछ दिनों से बेहद तनाव में थे। सुसाइड नोट के अनुसार, परिवार के दायित्व को संभालने के लिए किसी को वहाँ होना चाहिए। मैं बेहद परेशान होकर तनाव के साथ जा रहा हूँ। जहाँ लिए थे साथ फेरे, वहीं किया सुसाइड। हाई प्रोफाइल राष्ट्रीय संत भयू महाराज ने उसी कैंपस में खुदकुशी की, जहाँ एक साल पहले उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी से शादी रचाई थी। जानकारी के अनुसार, भयू महाराज ने मंगलवार दोपहर को इंदौर के सिल्वर स्प्रिंग स्थित अपने बंगले पर खुद को गोली मार ली। भयू महाराज को उनके नजदीकी निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। भयू महाराज पिछले साल 30 अप्रैल को सिल्वर स्प्रिंग क्लब हाउस में दूसरी बार विवाह के बंधन में बंधे थे। बेहद निजी समारोह में पारिवारिक सदस्यों की मौजूदगी में वे डॉक्टर आयुषी शर्मा के साथ दोबारा विवाह सूत्र में बंध गए थे। पत्नी माधवी के निधन के बाद आश्रम में ही रहने वाली डॉक्टर आयुषी के साथ उन्होंने इंदौर के सिल्वर स्प्रिंग क्लब हाउस में सात फेरे लिए थे। अब इसी कैंपस में बने बंगले में उन्होंने खुदकुशी कर ली। कौन थे भयू महाराज? शुजालपुर के एक किसान परिवार में जन्मे भयू जी महाराज का असली नाम उदय सिंह देखमुख था। इंदौर में बापट चौराहे पर उनका आश्रम है, जहां से वे अपने ट्रस्ट के सामाजिक कार्यों का संचालन करते थे। भयू महाराज की पहली पत्नी का नाम माधवी था, जिनका निधन हो चुका है। माधवी से उनकी एक बेटी कुहू है, जो फिलहाल पुणे में पढ़ाई कर रही है। भयू महाराज नाम तब चर्चा में आया था, जब भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल पर बैठे अन्ना हजारे को मनाने के लिए यूपीए सरकार ने उनसे संपर्क किया था। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, पीएम नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, शरद पवार, लता मंगेशकर, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, आशा भोंसले, अनुराधा पौंडवाल, फिल्म एक्टर मिलिंद गुणाजी जैसी हस्तियां उनके आश्रम आ चुके हैं।